साथियों, चाहे संत कबीर ने ये क्यों न कह दिया हो कि पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात, और देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात। पानी का जो बुदबुदा होता है केवल उसकी जितनी आयु है वैसी ही मनुष्य की भी हैसियत है। और प्रातःकाल जब सूर्य उदय होता है, प्रभात जब होता है, तो प्रभात होते ही जिस प्रकार से संपूर्ण नक्षत्र मंडल लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार से मनुष्य भी बहुत ही जल्द और एक चुटकी में लुप्त हो जाता है। परंतु फिर भी क्योंकि हम इस भौतिक जगत में जी रहे हैं, रिश्तों के ताने बानों में जी रहे हैं, जिम्मेदारियों के बीच में जी रहे हैं, एक ऐसा सपना सभी व्यक्ति देखते हैं कि उसका अपना स्वयं का घर कब होगा। साथियों, इस एपिसोड में हम यही चर्चा करने जा रहे हैं कि कब व्यक्ति के जन्म पत्रिका में इस प्रकार का योग निर्मित होता है कि उसको पैतृक घर मिलता है, कब इस प्रकार का योग निर्मित होता है कि उसको राजकीय आवास अर्थात राजयोग के द्वारा उसको एक बड़ा भवन या बंगला मिल सकता है। दूसरे शब्दों में इसको कहें तो राजयोग उसके घटित तो हो सकता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि कब इस प्रकार का योग होता है कि उसका घर और व्यापार स्थल दोनों एक ही इमारत में हों। तो साथियों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। और न केवल इंसान, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे और कोई जीव जंतु हो, सभी को अपने घर लौटने की एक आशा होती है। चाहे दुनिया में कहीं पर भी कितनी विलासिता में जाकर के वो रह जाए, अंततः अपने घर लौट करके ही आता है। और अपने घर का जो सपना है वो बिना ग्रहों की स्थितियों के पूरा नहीं होता। आप स्वयं अपने आसपास देख लीजिए कि लोग पैसा तो बहुत कमा लेते हैं, परंतु यदि उनके नसीब में नहीं है, संयोग नहीं बैठ रहे हैं, तो वो किराए के भवन में ही उनको जिंदगी बिता देनी पड़ती है। और इसके ठीक उलट, यदि व्यक्ति साधारण सी भी नौकरी कर रहा है, वो भी कैसे भी करके लोन लेकर ईएमआई चुका करके अपना छत, अपना घर निर्मित कर लेता है। तो आइए साथियों, इसमें हमें जन्म पत्रिका का सहारा लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक खाली जन्म पत्रिका के माध्यम से हम ये जानते हैं, जो घर घर में कई बार झगड़े का भी बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, कि पैतृक घर, पिता का घर या दादा का घर, व्यक्ति को कब ऐसी परिस्थितियां होती है कि उसको मिलने के चांसेस, मिलने की जो संभावना है वो अत्यधिक होती है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। साथियों, यदि किसी जन्म पत्रिका में शनिदेव चतुर्थ भाव में जाकर के विराजमान हो जाए, या फिर वो सप्तम भाव में जाकर के विराजमान हो जाए, या वो कर्म भाव में जाकर के विराजमान हो जाए, या फिर वो कुटुंब भाव में जाकर के विराजमान हो जाए, चतुर्थ भाव जो कि अपने स्वयं के घर का होता है, वहां पर बैठा हुआ शनिदेव अपने आप में वहां को मजबूत करने का काम कर रहा है, परंतु अन्य तीन स्थानों पर जो शनिदेव बैठे हैं वो अपनी संपूर्ण दृष्टि से चतुर्थ भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। ऐसे में होगा क्या कि जब भी शनि की दशा अंतरदशा इस व्यक्ति को आएगी, इसको अपना घर मिलेगा, परंतु इसको अपना जो घर है वो पैतृक रूप में मिलेगा। पिता का जो घर है वो इसको मिलता है, उसका कोई हिस्सा इनको मिलता है। इसमें एक और चीज यहां पर मैं जोड़ना चाहूंगा कि ये भी हो सकता है कि ये जो घर खरीदे वो कोई पुराना घर या बना हुआ घर ये खरीदे जिसकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती है, उसका इंटीरियर एक्सटीरियर इनको थोड़ा बहुत खर्चा करके ठीक कराना पड़ता है, मरम्मत में इनको जो अपना काफी बड़ा रुपया लगाना पड़ता है। शनि की ये स्थिति घर तो दिलवा देती है परंतु देरी करती है, खासतौर पर इस व्यक्ति को 42 अर्थात 42 इतनी एज के बाद में ही घर मिलते हुए देखा जाता है।
शनि का कार्य ही है देरी करना। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर। साथियों, यदि चतुर्थ भाव में बुधदेव विराजमान है अच्छी खासी डिग्रियों में यदि है, या फिर वो कर्म भाव में विराजमान होकर के फोर्थ हाउस को देख भी अगर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जो घर मिलता है वो घर का संयोजन इस प्रकार से करता है, समीकरण इस प्रकार से बैठाता है कि उसका व्यापार बिजनेस या उसका जो ऑफिस है उसका प्रमाइसिस भी घर के अंतर्गत ही आ जाता है। और ये अच्छी बात भी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। थोड़ा सा वास्तु को ठीक से चेक कर लेना चाहिए। ये स्थिति कब निर्मित होती है? जब भी इस व्यक्ति को बुध की दशा या अंतरदशा प्रारंभ हो जाती है तब। अब बात कर लेते हैं राजयोग की। साथियों, जब भी बहुत अच्छी डिग्रियों में शक्तिशाली स्थिति में सूर्यदेव यदि चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए, या कर्म भाव में विराजमान होकर के वो चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति का कर्म ही या तो वो कोई नेता होगा, बड़ा प्रशासक होगा, या किसी भी प्रकार से वो ऐसी स्थिति में होगा कि सरकार में उसकी दखलंदाजी होती है। और जब ऐसे व्यक्ति को सूर्य की दशा अंतरदशा प्रारंभ होती है तो प्रबल राजयोग कारक होती है, और बहुत आलीशान बड़ा बंगला या कोठी जिसको कहें, वो भी सरकारी, वो सूर्य की दशा अंतरदशा में उसका उपभोग जरूर करता है। साथियों, तीनों स्थितियां हमने देख ली है, तीन ग्रहों की हमने चर्चा की। यदि ऐसी स्थिति में इनमें से कोई भी ग्रह यदि शून्य डिग्री का है जन्म पत्रिका में, लग्न पत्रिका में, या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है, तब ये चीजें फलीभूत नहीं हो पाएंगी। अब बहुत मुद्दे की बात करते हैं। अपने घर का सपना तो है ही, बहुत संघर्ष करने के बावजूद भी यदि योग संयोग नहीं बैठ रहा है तो आपको घर दिलाएंगे महादेव। जी हाँ, अपने निकट के किसी भी महादेव मंदिर में आप जल ले जाइए, और जल में थोड़ा सा इत्र परफ्यूम आपको हल्का सा उसमें डाल करके ले जाना है, और उस जल से आप महादेव पर अभिषेक करें। अत्यंत ही शीघ्र शिव आशुतोष है, आपके अपने घर का सपना पूर्ण होगा, आप अपने घर की छत के नीचे ही सुखपूर्वक रहेंगे। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।